हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, पॉलीनोमियल्स, पॉली इसमें जो दो टर्म्स है हमारा, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, कि जिसमें बहुत सारी क्या हो, टर्म्स है। और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुपद। पॉलीनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद, यानी कि बहुत सारे पद जिसमें बहुत सारे क्या हो, टर्म्स हो। ठीक है, पॉलीनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो पॉलीनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किस फॉर्म का? इस फॉर्म का, पी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स, ए टू एक्स प्लस एंड सो ऑन, ए एन एक्स एन। ठीक है, तो पॉलीनोमियल क्या है? पी एक्स है, जिसमें क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल वाई जेड। ठीक है, और कॉन्टेंट हो गए, और इसमें क्या हो गए, कुछ ऑपरेशन हो गए प्लस माइनस वाले, जो इन टर्म्स को क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन दिस टर्म। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे रियल नंबर से ही रियल्स नंबर है, कुछ भी हो सकता है, क्या है? कॉन्स्टेंट है। वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा ए एन है यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फॉर्म नहीं बनेगी, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है, और इसकी डिग्री क्या है, एन है। डिग्री एन का मतलब है कि जो हाइएस्ट पावर है एक्स की, वो क्या है? तो डिग्री होती है हाइएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल है हमारा, तो जो उसकी हाइएस्ट पावर होगी उसे ही हम बोलते हैं डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स पावर एन। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। अब इसके एग्जांपल है हमारे पास, देखो एग्जांपल है 4x+3। तो इसमें क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म्स है, यानी कि नंबर्स है, लीनियर लेटर्स है, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स भी है इसमें, और इसमें ऑपरेशन भी है, प्लस माइनस प्लस है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, और इसमें दो टर्म्स है। ठीक है, एक ये टर्म्स होगी और एक ये टर्म्स होगी। तो इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री वन। ये क्या है? पॉलिनोमियल है, और इस किस में है? ये एक्स में है। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स है, और इसकी डिग्री क्या है? वन है, क्योंकि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वन है यहाँ पे। तो हम क्या बोल लेंगे? इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री वन। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, 9x² + 7x + 2। ये क्या है? इसमें भी ये नंबर्स है, 9, 7, 2, यानी कि रियल नंबर, और वेरिएबल इसमें क्या है? एक्स है। जो एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। तो क्या है? इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री ऑफ 2। ऐसे यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट, इसमें वेरिएबल क्या है? वाई है, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3 है। तो इसे बोल देंगे इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 3। ठीक है, अब पढ़ेंगे अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी? वन होगी, उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी? वन होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे ए एक्स हमारा, सॉरी ये क्या है? यहाँ पे ए, ये ए आएगा, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि ए क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे तो एक्स वेरिएबल रहेगा ही नहीं, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? 4x + b, 3x - b एक्सेट्रा, ये दोनों क्या है? किसके एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलिनोमियल के। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोल लेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसे बोल लेंगे जिसमें डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जिसमें डिग्री 1 होगी उसे बोल लेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो उसे बोल लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें डिग्री 3 हो जाएगी उसे बोल लेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी जो जनरल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ए क्या है? ये क्या नहीं होना चाहिए? ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है, जो इसके साथ में लिखा हुआ था, उसको बोलते हैं हम कोफिशेंट। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर है के साथ लिखा हुआ है कोफिशेंट, वो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, और ये क्या बन जाएगा? लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्स वन हो जाएगी। तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी अगर यहाँ पे जीरो हो गया।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 9x² + 7x + 2 या फिर 3x² + 5x - 8। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें? 2 है, दोनों में 2 है हाईएस्ट डिग्री। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ax³ + bx² + cx + d, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। और ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब x³ का जो कोफिशेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर x³ का कोफिशेंट क्या हो गया? 0, तो क्या बन जाएगा? bx² + cx + d। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अगर b भी यहाँ पे 0 हो गया, a भी 0 हो गया, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, और इसमें होरा के भी होती है, पर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं तक है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक भी होती है जिसमें x की पावर क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मतलब कि हमें कोई एक पॉइंट दे देंगे और उस पर क्या पूछेंगे? वैल्यू पूछेंगे क्या है पॉलिनोमियल की। मतलब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स दे रखा है, फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी दे देंगे। तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू को रखना है, और वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, कि अगर पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है, और उसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। ये पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा, हमने यहाँ पे क्या रख दिया है? एक्स की जगह क्या रख दिया है? अल्फा रख दिया है। तो इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो हम क्या बोल देंगे इसको? कि ये क्या है? अल्फा पर इसकी वैल्यू है पी एक्स की, एंड डिनोटेड बाय पी अल्फा, क्योंकि एक्स की जगह हमें क्या रखना है? अल्फा। तो बस यहाँ पे क्या रख देंगे? पी अल्फा। जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी उसे बोलते हैं हम इसकी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे पी एक्स है, हमारा एग्जाम्पल है पी एक्स है x² + 2x - 4। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, यानी कि एक्स की जगह क्या रखना है हमें? यहाँ पे 2 रखना है। एक्स के प्लेस पे क्या रखना है? 2 रखना है। तो जहाँ पे भी एक्स या पॉलिनोमियल के अंदर वहाँ पे 2 रख दो। रख दिया हमने 2² + 2, एक्स की जगह रखेंगे 2, 2 × 2 - 4, तो क्या आ जाएगा? 2² + 4 - 4, ये आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की जीरोज हम किनको बोल सकते हैं? तो किन को बोल सकते हैं? अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, कि कोई हमारे पास रियल नंबर है अल्फा, इसको हम क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। मतलब एक्स की जगह क्या रखेंगे? अल्फा रखेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। तो ए रियल नंबर अल्फा को हम जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की जीरो बोल सकते हैं इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉलिनोमियल है, मतलब ये पी एक्स है, और इसमें हम अल्फा रख दें, और अल्फा रखने के बाद ये पी एक्स है, ये किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। तो इस अल्फा का हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा इज 0 पॉलिनोमियल पी एक्स। मतलब पी अल्फा रखते ही जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अल्फा रखते ही एक्स की जगह जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जब किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स है 2x + 4, पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है? 2x + 4 दे रखा है। हमने क्या रख दिया यहाँ पे? एक्स की जगह रख दिया -2। ठीक है, जब हमने एक्स की जगह यहाँ पे -2 रख दिया है, तो 2 × -2 + 4, ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4 - 4 + 4 = 0। तो मतलब पी -2 रखने पर जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल आ गया है? 0 के इक्वल आ गया है। तो हम क्या बोल लेंगे यहाँ पे कि जो -2 है ये क्या है? इज अ 0 पॉलिनोमियल। कि ये रखते ही ये क्या कर देगा? पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। ये जो वैल्यू है एक्स की, जब हम इसको पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो इसे बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू रख लो, आप यहाँ पे रख लो p2, तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 + 4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 4, कितना हो जाएगा? 8, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 क्या है? 2 इज नॉट अ 0 पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 2 का। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे और उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।